अरे यार आज तो नींद बहुत ही कमाल का आया। चलो यार जल्दी से सुबह उठता हूँ। अरे यार एक काम करता हूँ, सिंचन के साथ ना आज जाता हूँ मस्त मस्त डायमंड वाली गाड़ी चुराने के लिए। गाइस कल वाली वीडियो में जैसे कि आप लोग ने देखा था कि भाई यार हम लोग ने बहुत ही खतरनाक खतरनाक डायमंड वाली कार और व्हीकल चुराए थे मिलिट्री बेस और हर जगह से। आज सोच रहा हूँ डायमंड वाली बाइक के चुराऊं, क्या ही ख्याल है। बट सिंचन है कहाँ पे? ऐसे तो सिंचन यहीं पे घूमता रहता है, चोको चिप्स खाता रहता है। सिंचन जरूर ऊपर होगा। सिंचन भाई, सिंचन कहाँ पे भाई तू? भाई यार चल डायमंड वाली बाइक चोरी करने के लिए चलेंगे। सिंचन कहाँ है तू? अरे सिंचन जल्दी बाहर आ जा, मैं तुझे चॉकलेट चिप्स दूंगा। सिंचन, ओ सिंचन कहाँ हो भाई तुम? अरे यहाँ पे तो है भी नहीं सिंचन। सिंचन, ओ सिंचन भाई, तो सिंचन तो यहाँ पे है भी नहीं, ये सिंचन कहाँ चला गया? एक काम करता हूँ जा करके देखता हूँ, बाहर तो खेल तो नहीं रहा ना सिंचन। सिंचन तू क्या बाहर है? एक सेकंड भाई साहब, ये क्या चल रहा है? सिंचन की मम्मी पापा भी है और भाई सिंचन है। चॉप तू भी यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे हाँ फ्रेंकली भैया, अच्छा वो आ गए, हम लोग बस यहाँ से निकल ही रहे थे, अब बस आपको गुड बाई कहने का टाइम आ गया है। एक सेकंड भाई साहब, ये क्या चल रहा है? ओ नो नो नो, ये क्या सपना है? उठ जा, ए कोई मुझे थप्पड़ मारो, उठ जा, ए उठ जाऊं मैं? अरे फ्रैंकली भैया, सब कुछ सपना नहीं है, ये हकीकत है, मैं सच में जा रहा हूँ, मेरी मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आ गए ना। बट ऐसा क्यों? अरे आप लोग दोनों इसे क्यों ले जा रहे हैं? तुम्हारा क्या कहना है? मेरा बच्चा दिन भर तुम्हारे साथ आवारा गर्दी करे, ऐसे भी तुम दिखने में भी अच्छे नहीं हो, काले कलूटे, ऊपर से तुम्हारा हरकत भी सही नहीं है, चोरी चकारी करते हो। मैं सिंचन को ये सब चीज नहीं सिखाना चाहता। हाँ मैं भी नहीं सिखाना चाहती, मैं उसको जाकर के किंडरगार्टन स्कूल में भेजूंगी और वहाँ पर जाके पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना पायलट बनेगा पायलट। अरे यार वो अभी यहाँ पे रह रहे प्लेन उड़ा लेता है, आप वहाँ पे ले जाके इसे पायलट क्या बनाएंगे? वो लॉस सैंटोस में प्लेन उड़ा लेता है। सिंचन अपनी मम्मी पापा को समझाओ, तू यहाँ पे बहुत ही खुश है, अब रह तो जाओ। अरे आपको पता है घर में नया एक्शन कमिन का सेट आ गया है, अब मुझे उसे खेलने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे सिंचन कैसा बबूचक है, वहाँ पे जा रहा है खिलौना से खेलने के लिए। अरे सिंचन वो एक्शन कमिन का जो सेट है ना, वो मैं भी दिला दूंगा। अरे क्या सच में? ठीक है मम्मी पापा मैं नहीं जाऊंगा। ये हुई ना बात। सिंचन मस्ती नहीं, चलो चुपचाप, अभी तुम्हें घर भी जाना है, ऊपर से तुम्हारा बचा हुआ सारा सामान और बचा हुआ सारा होमवर्क भी करना है। हाँ और तुम भूल गए क्या, मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें हफ्ता दिन चॉकलेट चिप्स खिलाऊंगी, तो चलो। अरे ठीक है फ्रैंकली भैया, बहुत हो गया, हम लोग GTA 5 और लॉस सैंटोस से बहुत मस्ती कर लिए, चलो चॉप और चलो फ्रैंकली भैया, अब निकलते हैं हम लोग। अरे यार मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? चॉप तू तो बोल कुछ। मैं क्या बोलूं, मुझे मन कर रहा है मैं इसके साथ चला जाऊं, जाकर के शीरो के साथ खेलूं। अरे हाँ चॉप, शीरो के बगल में तुम खड़े होगे तो एकदम लगेगा ब्लैक एंड व्हाइट। क्या ये मजाक था? बट जो भी बोलो बहुत ही मजा था। अरे यार ये तुम लोग कर क्या रहे हो भाई साहब? ऐसा लगता गाइस यार, मुझे लगा ही था एक ना एक दिन ऐसा होगा, सिंचन हमें छोड़ के जरूर जाएगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई ये अभी हो जाएगा इतना जल्दी। सिंचन तुम सच में जा रहे हो क्या? अरे हाँ फ्रेंकली भैया, ये सब मजाक छोड़ने चल रहा है। ओ नो गाइजर, अब तो ये बहुत ही बुरा हो गया। ठीक है यार मुझे लग ही रहा था कि सिंचन जाएगा, बट ये दिन इतना जल्दी आ गया, मुझे इतना जल्दी यकीन नहीं था। गाइजर सिंचन के साथ हम लोग ने बहुत ही अच्छे अच्छे पल निभाए, बहुत ही अच्छी खासी गाड़ी चोरी की, हम लोग बिलीनियर वाली लाइफ भी जिए, गरीब वाली लाइफ भी जिए, बट अब लगता है सिंचन को बाय बोलने का समय आ चुका है। ठीक है यार सिंचन तू जाओ अपने कासुकाबे शहर में जाओ और आराम से रहना, और हाँ सिंचन के मम्मी पापा सिंचन का ध्यान से ख्याल रखना और आराम से रखना, और हाँ शिमला मिर्च मत खिलाना। अरे क्या फ्रैंकली भैया, आप तो एकदम सेम टू सेम मेरी मम्मी जैसा बात बोल रहे हो। अरे यार सिंचन ये इस टाइम में मजाक मत कर, ठीक है अब चला जाओ तो वरना मैं रो दूंगा। ठीक है फ्रैंकलिन, शुक्रिया हमारे बच्चे का इतना दिन तक ख्याल रखने के लिए, चलो मिस्सी जल्दी आ जाओ, ये गाड़ी में सामान रखते और बैठते, हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है फ्रैंकली भैया, चलिए अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, और हाँ फ्रैंकली भैया आराम से रहिएगा, मैं अगर छुट्टी में मैं आपके घर वापस जरूर आऊंगा। ठीक है सिंचन छुट्टियों में जरूर आना। हाँ शीरो को भी लेके आना, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनाएंगे। अरे हाँ ठीक है चलिए पापा चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो अब जल्दी से चलते हैं, ऐसे भी हमारी ट्रेन ना छूट जाए, अगर ट्रेन छूट गई तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मिस्सी तुम्हारे सारा सामान रख लिया ना? हाँ मैंने सारा सामान रख लिया, मैंने कपड़े से लेकर के आपका मोजा दोनों रख लिया, अब जल्दी चलिए। अरे आप लोग एकदम दोनों पहले जैसे हो, एकदम चेंज नहीं हुए, पहले जैसी बातें करते हो। एक बात तो बताइए मम्मी, आज बताइए खाने में क्या है? हाँ बेटा आज मैंने शिमला मिर्च की सब्जी पैक करके रखी है, वही हम लोग ट्रेन में खाएंगे। यू शिमला मिर्च की सब्जी? मैं ये नहीं खाता, मैं चॉकलेट चिप्स खाऊंगा तो वरना मैं पिज्जा खाऊंगा। ये पिज्जा क्या होता है?
अरे आपको पिज्जा नहीं पता? अरे फ्रैंकलिन भैया पिज्जा और बर्गर बहुत खाते हैं, चलिए मैं आपको वो भी खिलाऊंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो वो भी खा लेंगे। बहुत ही रोना आ रहा है। हाँ मैं हूँ ना, क्यों रोते हो? इसी बात का तो रोना है। चल यार जो आप अंदर आ जा। भाई साहब कब कुछ भी नहीं बचा, सिंचन चला गया, अब हमारे साथ कोई नहीं है। अब यार कोई मन भी नहीं कर रहा कुछ काम करने का, चोरी चकारी अकेले कितना इंसान कर सकता है। भाई सिंचन रहता था, मजाक मजाक मेरा जोक उड़ाता था, क्या ही मजा आता था। गाइजर सिंचन तो चला गया, अब मुझे एकदम रहा नहीं जा रहा। सिंचन तुम क्यों गए? भाई साहब प्लीज सिंचन। भाई अब पता नहीं क्या होगा, एक काम करता हूँ सिंचन को टीवी में ही देख लूंगा। भाई साहब सिंचन को टीवी में देखूंगा वही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यार सिंचन तो अब चला गया। आई होप यार सिंचन तुम कहीं भी हो सही सलामत हो और अच्छे से रहना, और ज्यादा सतानी मत करना। अब ये कासू काबे पहुंच भी गया होगा सिंचन अभी तक तो। ओ नो, ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो गया? ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? ऐसा लग रहा है ये गाड़ी खराब हो गई है, मुझे उतर के ठीक करना पड़ेगा। अरे क्या हो गया पापा, ये गाड़ी क्या हो गया? नहीं नहीं चिंता मत करो, अभी मैं हूँ ना, मैं मैकेनिक से बढ़कर हूँ, मैं देखो अभी ये गाड़ी को ठीक कर लेता हूँ। देख लेना चुटकियों भर में ये गाड़ी को मैं ठीक कर लूंगा, देख लेना। ओ नो, लगता है ये मुझसे नहीं बन पाएगा, मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, बट इतनी रात में तो कोई भी मैकेनिक नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं पर रुक जाता हूँ, फ्रैंकलिन के घर से भी बहुत ही दूर आ चुका हूँ, ये घर में तो रुक सकता हूँ, अगर ये लोग के आदमी हमें परमिशन दे दे तो। एक काम करो तुम लोग दोनों यहीं पे रहो, मैं अंदर से परमिशन लेके आता हूँ, शायद हमें अंदर में एक रात रुकने मिल जाए। अरे ठीक है पापा, जाइए जाइए जल्दी जाइए, और जल्दी से परमिशन लेके आइएगा। आपके इतनी खटारे सी गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी, हम लोग कोई अच्छी सी गाड़ी ले लेते ना। मुझे क्या पता था इतना जल्दी ये गाड़ी खराब हो जाएगी, अब क्या ही कह सकते हैं। छोड़ो उन सब की बातें, अब मैं जल्दी से परमिशन लेने चलता हूँ, यहाँ पे घर में कोई ना कोई तो जरूरी होगा, कोई हो यहाँ पे, कोई है। अरे भाई साहब ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है, चलो अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कोई है भी कि नहीं, ये घर तो बहुत ही पुराना लग रहा है, यहाँ पे कोई है या नहीं? लगता है कोई बकरा आया है, चलो मैं यहाँ हूँ, इधर आ जाओ, चलो आज जरूर कुछ खाने में बढ़िया बनेगा। अच्छा क्या आप वहाँ पे हैं? अरे मुझे आपसे परमिशन लेनी है, क्या मैं एक रात के लिए आपका घर इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरी परिवार और मैं फंस चुके हैं, मेरी गाड़ी खराब हो गई यहाँ पे, क्या आप सुन पा रहे हैं? ये क्या भाई साहब, आप ऐसी ड्रेस पहने हुए हैं? ये अभी के टाइम में पहनने लायक ड्रेस नहीं है, ये तो जोकर की है। मुझे जोकर बोलता है, ये ले कैसा लगा, मुझे जोकर बोलेगा? अभी मैं बताता हूँ, इसके पूरे परिवार को यहाँ पे बंदी बना लूंगा और कोई भी नहीं बचा पाएगा। चलो वेट करता हूँ इसके परिवार के आने का, तब तक इसे गायब कर देता हूँ, बहुत बेवकूफ मुझे बोलेगा, जोकर मुझे बोलेगा, ये लो। ओ नो, पता नहीं अभी तक काहे नहीं आए। सिंचन तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं अंदर, मुझे चेक करके आना पड़ेगा। एक काम करो सिंचन तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है मम्मी मैं भी चलता हूँ, अंदर जाएंगे और मजा करेंगे। नहीं नहीं मजा नहीं करना, शायद तुम्हारे पापा को परमिशन मिल गई होगी, इतने देर से अंदर है, चलो मैं जल्दी से अंदर जाती हूँ, चलो जल्दी से चलती हूँ। एक सेकंड, दरवाजा क्यों खुला हुआ है, ये क्या, ये घर तो बहुत ही अजीब है। एक सेकंड, तुम कौन हो और ये तुम्हारे हाथ में बैट क्या कर रहा है? इसे भी बेहोश करना पड़ेगा, ये लो बेहोश हो जाओ। चलो दो तो डाउन हो गया, एक काम करता हूँ ये दोनों को जल्दी से जल्दी गायब कर लेता हूँ। ओ नो, मैंने तो अपने चॉको चिप्स अपने गाड़ी के अंदर ही रख लिया, जल्दी जाओ तो चॉको चिप्स ले लेता हूँ। चलो फाइनली चॉको चिप्स ले लिया, बिना चॉको चिप्स के तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। अरे मम्मी पापा आप अंदर जा करके सो गए क्या, इतना अच्छा घर है क्या? ओ नो, चलो जल्दी से अंदर जाता हूँ। बाप रे बाप, अरे छिछी कितना घटिया सा घर है, यहाँ पे मम्मी पापा कहाँ पे? ओ नो, यहाँ पे तो खाना भी बिखरा पड़ा है, मम्मी पापा आप है कहाँ पे? यहाँ पे तो कुछ भी सामान सही से नहीं है, ये घर नहीं कबाड़ खाना है, यहाँ पे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। अरे कोई है भी कि नहीं घर में, कोई है? हेलो कोई है घर में? अगर कोई है तो जवाब दो, हाँ बोलो या फिर ना बोलो, अरे कुछ तो बोलो। आयला लगता है सब लोग सो गए। अरे यहाँ पे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, एकदम भूतिया हवेली जैसा घर है। एक काम करता हूँ जल्दी जाके ऊपर चेक करता हूँ, जरूर ऊपर होंगे। ओ नो, ये तो पेनीवाइज है, ये क्या कर रहा है? अच्छा वो तुम्हारी मम्मी पापा थे क्या, तुम भी आ जाओ मैं तुम्हें भी सुला देता हूँ।
ओ नो, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। भागो 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 भागो। ओ नो, ये तो पेनीवाइज है। अरे गेट खोलो, अरे खोलो। अरे बाप रे, ये तो खुल भी नहीं रहा। मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। भागो भागो जल्दी भागो, तो वरना मेरा भी पता नहीं क्या हाल होगा। भागो भागो जल्दी भागो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डेंजर है। मम्मी पापा अंदर फंस गए पेनीवाइज की वजह से। ओ नो, अब मैं क्या करूंगा। मुझे जल्दी जल्दी से भागना पड़ेगा। मुझे कोई बचा लो, बचा लो, बचा लो, प्लीज कोई बचा लो, जल्दी जल्दी बचा लो। एक काम कर, तो जल्दी से फ्रैंकलिन बे के पास जाता हूँ, भागते भागते कुछ भी करके। चलो चलो जल्दी चलो, फ्रैंकलिन बे प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये जगह तो बहुत ही खराब है, डेंजर है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, कोई तो मुझे बचा लो। ओ नो, लगता है पेनीवाइज मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, बट जल्दी जल्दी मुझे अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए फ्रैंकलिन बे की मदद लेनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन बे, मैं आ रहा हूँ आपसे मदद मांगने के लिए। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, सिनचैन के मम्मी पापा मुश्किल में और सिनचैन जा रहा है भाई साहब फ्रैंकलिन के पास मदद मांगने के लिए। और भाई देख रहे हो, सुनसान रात है और सिनचैन अकेले जा रहा है। सो गाइस, अगर आपको जानना है इसके बाद क्या होगा, तो गाइस आपको इंतजार करना पड़ेगा पार्ट 2 का, और वो आएगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर दो, एंड गाइस नीचे कमेंट करके लिखो कि भाई सिनचैन अपनी मम्मी पापा को बचा लेगा। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।